हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। और आज हम खेल रहे हैं सोलो सर्वाइवल। तो लास्ट एपिसोड में हमने क्योर किया था एक विलेजर को और हम उससे ट्रेड कर पा रहे थे एक एमरल्ड में। और आज मैं बनाने वाला हूँ एक फूड फार्म, एक नहीं, मैं बेसिकली दो फूड फार्म बनाऊंगा आज। एक मैं बनाऊंगा ब्रेड के लिए और दूसरा मैं बनाऊंगा चिकन के लिए। और वो बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ स्टैक बिल्डिंग ब्लॉक्स, 3 स्टैक हमें ग्लास लगेंगे और 4 स्टैक बकेट, 2 हो, कुछ सीड्स, 3 हॉपर, 3 फेंस, 2 चेस्ट, 2 कंपोस्टर और 3 बेड। तो सबसे पहले हम करेंगे फार्म को बिल्ड, जिसके लिए हमें चाहिए ग्लास और बिल्डिंग ब्लॉक्स। और मैंने एक 16x16 का एरिया जो है वो मार्क कर लिया है। और अभी हमें कुछ भी बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए, मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टोन ब्रिक्स का। देन हमें इसको कवर करना है। ओके, तो मैं और एक चीज़ बता दूं कि ये फार्म बनाने के लिए हमें 2 विलेजर चाहिए जो कि फार्मर होने चाहिए, जिनको मैंने यहाँ पर ट्रैप करके रखा है और इनको मैंने क्योर कर रखा है। ओके, तो इतना हो जाने के बाद अभी हमें चाहिए कुछ ग्लास ब्लॉक। तन हमें ग्लास ब्लॉक की एक लेयर बनानी है। मैंने 2 लेयर हाई बना दी है ग्लास की और मेरे 1 स्टैक ग्लास जो हैं वो बच चुके हैं। और अभी हमें बनानी है एक रूफ इसके ऊपर। ओके, तो इतना जाने के बाद हमें इसके अंदर जाने के लिए एक रास्ता बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ स्टेयर्स का और यहाँ पर मैं लगा दूंगा एक ट्रैप डोर कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे लगा देंगे हम 2 स्टेयर्स और ये हो जाएगा हमारा बाहर जाने का रास्ता। देन हमें चाहिए 4 बकेट वाटर की। देन हमें चाहिए अपने हो और अभी हमें ले लेने हैं अपने सारे सीड्स। और मैं चीज़ बता दूं कि इस फार्म को बिल्ड करते टाइम जो मेरे बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो कम पड़ गए थे, मेरे को एक्स्ट्रा बिल्डिंग ब्लॉक्स लगे थे। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हमें डायगनली यहाँ से 4 ब्लॉक काउंट करने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और 4th ब्लॉक छोड़ के 5th ब्लॉक को हमें डिग करना है और यहाँ पे भर देना है हमें पानी। देन हमें यहाँ से 1, 2, 3, 4 4 ब्लॉक छोड़ के 5th ब्लॉक पे डिग करना है और यहाँ पे हमें भर देना है पानी। और बाकी दोनों साइड भी हमें ऐसे ही करना है। ओके, तो इतना जाने के बाद अभी हमें चाहिए स्लैब्स। देन हमें इस वाटर के ऊपर वाले हिस्से में कुछ इस तरीके से स्लैब को लगा देना है जिससे जो वाटर है वो ब्लॉक नहीं होगा और हमारा काम ही बन जाएगा। तो मैं यूज करने वाला हूँ श्रूम ब्लॉक का, क्योंकि यार देखो जो क्रॉप होते हैं वो अंधेरे में कभी ग्रो नहीं होते। ओके, और आप चाहो तो इनके ऊपर एक स्टोन की वॉल लगा सकते हो ताकि आप जंप ना करो। तो इतना हो जाने के बाद अभी हमें इस पूरे एरिया को फार्म लैंड में कन्वर्ट कर देना है और हमें सीड्स का यूज करना है। ओके, तो इतना हो जाने के बाद अभी हम बनाने वाले हैं इन ब्रेड्स का कलेक्टिंग सिस्टम। और वो बनाने के लिए हमें यहाँ से कुछ ब्लॉक डिग करने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। देन हमें यहाँ पर एक हॉपर प्लेस करना पड़ेगा इस वाले ब्लॉक पे कुछ इस तरीके से। देन हमें क्राउच होके इसी वाले हॉपर से एक हॉपर अटैच करना पड़ेगा। देन हमें यहाँ पर जाना है, अगेन क्राउच होके हमें इस वाले हॉपर से एक हॉपर कुछ इस तरीके से अटैच कर देना है। देन हमें बाहर जाना है और यहाँ से हमें थोड़ा सा नीचे डिग करना है कुछ इस तरीके से। देन हमें इस वाले हॉपर से एक चेस्ट को अटैच कर देना है कुछ इस तरीके से और जो हमारा कलेक्टिंग सिस्टम है वो बन के रेडी है। ओके, तो इतना जाने के बाद अभी हमें चाहिए फेंसेस। देन हमें इन हॉपर के ऊपर फेंसेस को कुछ इस तरीके से लगा देना है। हम यहाँ पे एक विलेजर ट्रैप करने वाले हैं और वो विलेजर बाहर ना आए इसलिए हम फेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो ब्रेड फार्म जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट एक लास्ट स्टेप जो बाकी है, हमें इस वाले गैप के अंदर जहाँ पर हमने ये एक ब्लॉक खाली छोड़ा था, हमें यहाँ पर एक विलेजर कैद करना है। और वो विलेजर कोई सा भी हो चलेगा, बट यहाँ पर बाहर हमें और एक विलेजर कैद करना है जो कि फार्मर ही होना चाहिए और
मेरे पास दो फार्मर ऑलरेडी हैं और मैं इनको माइनकार्ट विद रेल की हेल्प से अंदर लेके जाऊंगा। ओके, तो ये देखो रेल ट्रैक्स मैंने बिछा दिए और मैंने बीच बीच में जो है पावर ड्रिल्स का यूज़ करा है और इनको एक्टिवेट करने के लिए मैंने इनके साइड में रेडस्टोन टॉर्च लगाया है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि विलेजर्स को अंदर लाने से पहले जो ये वाला यहाँ पे जो फार्म लैंड था आप उसको डिस्ट्रॉय कर देना, वरना दिक्कतें हो सकती है फार्म में। और ताकि विलेजर्स बाहर ना आ पाए इसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्लैब लगा दिया है और अभी बस यहाँ पर एक माइनक्राफ्ट प्लेस करना है और वेट करना है कि दोनों में से कोई एक विलेजर इसके अंदर बैठ जाए। ओके, तो ये विलेजर अपने आप ही माइनक्राफ्ट राइड करके ऊपर तक चला गया और अभी बस हमें माइनक्राफ्ट तोड़ के विलेजर को अंदर घुसाना है। ओके नाइस, तो जो विलेजर है वो अंदर घुस चुका है और अभी बस हमें अंदर जाके उस माइनकार्ट को निकाल लेना है। ओके, तो मेरे को यहाँ से जगह दिख रही है और मैं माइनकार्ट को यहाँ से आई थिंक बाहर निकाल सकता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। ओके नाइस, माइनकार्ट बाहर आ चुकी है और अब बस हमें जो हमारा लास्ट विलेजर है उसको अंदर लेके आना है। तो अभी बस यहाँ पे माइनकार्ट प्लेस कर रही है कुछ इस तरीके से और ये अपने आप ही राइड करके ऊपर आ जाएगा और अगर नहीं आया तो थोड़ा धक्का देना पड़ेगा इसको अंदर जाके कुछ इस तरीके से। ओके, तो अभी अपने आप चला जाएगा ऊपर और हम भी चल लेते हैं ज़रा। ओके नाइस, तो अभी बस यहाँ से कुछ ब्लॉक्स तोड़ देने हैं टेम्परेरीली और इसको नीचे गिरा देना है। नाइस, और अभी हमें अंदर जाके माइनकार्ट को तोड़ लेना है। ओके, तो हमारा फार्म जो है वो कम्प्लीटली वर्क करने लग गया। ये देखो ये फार्मर इन क्रॉप्स को तोड़ने लग गया है और सबसे पहले यार मैं ज़रा जो मैंने छत तोड़ी थी उसको ज़रा बंद कर देता हूँ। ओके, तो हमारा और एक लास्ट काम रह गया जो कि हमें 3 बेड लगाने हैं फार्म के किसी भी कोने में जाके और मैं इनको प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर। और कॉम्पोस्टर ब्लॉक आप लगा सकते हो, वैसे मैं तो नहीं लगाने वाला। ओके, तो जो हमारा ब्रेड फार्म है वो कंप्लीट हो चुका है और धीरे धीरे अब इसमें ब्रेड आना भी शुरू हो जाएंगे। ओके, तो अभी हम एक चिकन फार्म भी बना लेते हैं ताकि हमें फूड की कोई कमी ना हो आगे से, और वो बनाने के लिए हमें ये सारा सामान लगने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें लगेगा एक हॉपर और एक चेस्ट और मैं इसको यहाँ पर बनाने वाला हूँ अपने चिकन कूप के जस्ट साइड में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चेस्ट रखना है कुछ इस तरीके से, देन हमें इसके पीछे जाना है और यहाँ पर हमें एक हॉपर अटैच करना है इस चेस्ट से। देन हमें चाहिए अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स, 3 ग्लासेस और थोड़े बहुत ट्रैप डोर, और हमें इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को इस हॉपर के ऊपर लगाना है कुछ इस तरीके से। 2 बिल्डिंग ब्लॉक लगाने हैं टोटल और अभी हमें इस वाले ब्लॉक के ऊपर वाले हिस्से में एक ट्रैप डोर और इस वाले ब्लॉक के ऊपर वाले हिस्से में एक ट्रैप डोर और ये सेम चीज हमें जो है दूसरी साइड भी करनी है। ओके, तो इतना जाने के बाद अभी हमें चाहिए अपने ग्लास ब्लॉक और इस चेस्ट के ऊपर खड़े होकर 2 ग्लास ब्लॉक हमें कुछ इस तरीके से प्लेस करने हैं और यहाँ पे जो हमने ये 2 ब्लॉक लगाए थे इनको तोड़ देना है और अभी इन ट्रैप डोर को हमें बंद कर देना है कुछ इस तरीके से। देन हमें यहाँ पर प्लेस करना है एक हेल्पिंग ब्लॉक और यहाँ पे हमें एक डिस्पेंसर लगा देना है कुछ इस तरीके से, और इसका फेस जो है वो इस साइड होना चाहिए। और अभी हमें क्राउच होके इसी हॉपर के ऊपर एक स्लैब लगा देना है किसी भी चीज़ का कुछ इस तरीके से, और इस डिस्पेंसर के ऊपर हमें एक हेल्पिंग ब्लॉक लगा देना है और एक हेल्पिंग ब्लॉक लगाना है हमें, और थोड़ा सा नीचे जाके हमें यहाँ पर एक स्लैब लगा देना है कुछ इस तरीके से, और ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसको अब हमें तोड़ देना है। ओके, तो जो किलिंग चैम्बर है वो हमारा बनके रेडी हो चुका है और अभी हमें चाहिए जहाँ पर हम अपने चिकन्स को स्टोर करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें लगने वाला है एक ऑब्जर्वर, एक कंपैरेटर, 2 रेडस्टोन और हमें चाहिए एक हॉपर और एक ग्लास। देन हमें इस डिस्पेंसर के पीछे एक हॉपर अटैच करना है कुछ इस तरीके से। देन हमें जाना है इस वाले ब्लॉक को खोद के थोड़ा सा नीचे और हमें इस वाले हॉपर से सबसे पहले एक ब्लॉक अटैच कर देना है। देन हमें अपना ऑब्जर्वर लेना है और उसको यहाँ पर प्लेस करना है कुछ इस तरीके से अपने ही सर के ऊपर, और अभी हमें बाहर जाना है। ओके, तो ये देखो इसका एरो जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए और मुंह इसका जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। देन हमें यहाँ पे इनको कवर अप कर देना है कुछ इस तरीके से, और अभी हमें यहाँ पे डिग करना है और यहाँ पर जो हमें एक ब्लॉक खाली छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमें प्लेस करना है एक रेडस्टोन
देन हमें एक ग्लास ब्लॉक यहाँ पे लगाना है और इसके ऊपर हमें लगा देना है और एक रेडस्टोन। और एक लास्ट चीज जो हमें करनी है, हमें इस ऑब्जर्वर के ऊपर एक कंपैरेटर लगाना है कुछ इस तरीके से, और जो इसकी लाइट है वो ऑन कर देनी है कुछ इस तरीके से। और अब जो हमारा फार्म है वो अभी बन के रेडी नहीं हुआ, अभी बहुत स्टेप बाकी है। तो अभी हमें चाहिए अपनी लावा की बकेट, देन हमें जाना है इस हॉपर के ऊपर, और अभी हमें इसके ऊपर और एक हेल्पिंग ब्लॉक प्लेस करना है कुछ इस तरीके से। और अभी यहाँ पे हमें ट्रैप डोर लगाने हैं, तो ये वाला ब्लॉक हमने लगाया था, इसके नीचे वाले एरिया में हमें ट्रैप डोर लगाने हैं तीनों साइड कुछ इस तरीके से, और इन ट्रैप डोर को बंद कर देना है। ओ मैंने ये वाला गलत लगा दिया, हमें कुछ इस तरीके से लगाना है इनको। और अभी हमें दोबारा से ऊपर जाना है और हमें इन्हीं के ऊपर और एक ट्रैप डोर लगा देना है, और इसको खोल के ये वाला ब्लॉक हमें तोड़ देना है। तो ये हो गया वो वाली जगह जहाँ पर हम अपने चिकन्स को स्टोर करने वाले हैं। और अभी हमें चाहिए अपनी लावा की बकेट, और अभी हमें थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो ओके, तो अभी हमें इस वाले ब्लॉक के ऊपर लावा प्लेस कर देना है कुछ इस तरीके से, और जो हमने स्लैब तोड़ा था उसको वापस से लगा देते हैं सबसे पहले। और अब जो हमारा चिकन फार्म है वो पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है, और अभी बस हमें चिकन स्ट्रैप करनी है इस वाले केज के अंदर, जो कि हमें एग ड्रॉप करेंगे, देन वो इस हॉपर के थ्रू इस डिस्पेंसर में जाएंगे, और ये कंपैरेटर फिर ऑब्जर्वर को कमांड देगा, देन ये डिस्पेंसर एक्टिव होकर यहाँ पे चिकन फेंकेगा। और जब वो चिकन छोटे होंगे तो वो लावा की वजह से नहीं जलेंगे, बट जैसे वो बड़े हो जाएंगे तो लावा की वजह से वो कुक होके हमारा जो चिकन है वो इस चेस्ट के अंदर आ जाएंगे। तो मेरे पास तो एग्स हैं काफ़ी सारे पहले से, तो मैं उन्हीं को हैच करके चिकन को ट्रैप करने वाला हूँ। तो अभी मैं इस वाले केज में चिकन्स को ट्रैप करना है। ओके, तो मैं 5-6 चिकन्स ट्रैप कर पाया हूँ, और अभी ये छोटी है तो अभी तो ये एग्स नहीं दे पाएंगी, तो हमें इनको बड़ा करना पड़ेगा सबसे पहले, इनको सीड से ग्रो करके। ओके, तो और एक चीज, इस वाले चेंबर में आपके जितने ज्यादा चिकन होंगे ये फार्म उतनी तेजी से वर्क करेगा, तो कोशिश करना कि इसमें कम से कम 20-25 चिकन आप कैद करके रखो। ओके गाइस, तो 45 मिनट्स हो चुके हैं मेरे को ये ब्रेड फार्म बनाए हुए, और चिकन फार्म को तो स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर हम अपने ब्रेड फार्म की बात करें तो 45 मिनट्स में हमारे पास 64+4 ब्रेड आ चुके हैं, जो कि काफ़ी सही रेट है। और मैंने कॉम्पोस्टर ब्लॉक भी लगा दिए क्योंकि फिर ये काम नहीं कर रहे थे विलेजर्स। और अगर आपका जो ब्रेड फार्म है वो काम ना करे तो इन 3 प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। फर्स्ट, कि आपके जो तीनों बेड्स है वो इन अंदर वाले दोनों विलेजर से कनेक्टेड होने चाहिए, और अगर आपका फार्म वर्क नहीं कर रहा तो आप कॉम्पोस्टर ब्लॉक लगा लें। और थर्ड चीज़, जो यहाँ पर मैंने फेंसेस लगाने को बोले थे आप उनको हटा के ऊपर लगा लो अगर फार्म वर्क नहीं कर रहा तो। पहले 45 मिनट्स तक चेक कर सकते हैं, मेरे को भी 45 मिनट्स लगे हैं फार्म को स्टार्ट होने में, तो बी पेशेंट, फार्म वर्क ज़रूर करेगा। और बात करें अगर अपने चिकन फार्म की, तो यहाँ से इन्होंने एग्स दिए थे, और यहाँ पे नीचे देखो 2 बेबी चिकन्स यहाँ पे आ चुके हैं, और अभी ये लावा से जल नहीं रहे क्योंकि अभी ये छोटे हैं। और अगर आपको चैन नहीं है तो आप यहाँ से भी इनको फीड करके बड़ा कर सकते हो, मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देखो, जैसे मैंने इसको बड़ा किया ये अपने आप जल गई, और इन दोनों के साथ भी सेम चीज़ कर लेते हैं, पहले ये अपने आप बड़े हो जाएंगे। ओके, तो ये देखो कुछ इस तरीके से ये फार्म वर्क करता है, यहाँ पर ये अपने आप बड़े हो जाते हैं, वो तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए इनको बड़ा किया था। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।